हाँ जी बेटा, हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ करने जा रहे हैं। इसमें हमें दिया हुआ है फाइंड द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ए सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, फाइनल प्रेशर दिया हुआ है और कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे बेटा डेफिनेशन यूज होगी कंप्रेसिबिलिटी की। वो थ्योरी जो लग रही है वो मैं बता देता हूँ। एस कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ठीक है, एक तो ये चीज है और दूसरा ये याद रखना, बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन पता हो। बल्क मॉडुलस क्या होता है? है तो ये वैसा ही फोर्स ओवर एरिया के जैसा ओवर दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस भी कहते हैं। ओवर कंप्रेसिव स्ट्रेन कह लीजिए या वॉल्यूम स्ट्रेन कह लीजिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कह लीजिए, ये होता है किसके बराबर? फोर्स ओवर द एरिया। और फोर्स ओवर एरिया में जो प्रेशर यूज होता है, काफी बुक्स में ये ऐसे लिखा होगा, बट यहाँ एक चीज का ध्यान रखना, बी इज द सिंबल फॉर बल्क मॉडुलस। एक्चुअल में ये प्रेशर डेल्टा पी होना चाहिए, इसलिए जब भी ये यूज में आएगा तो इसको आपने चेंज इन प्रेशर यूज करना है। ठीक है, अगर कहीं पे इसको अगर ये पी लिख भी दिया गया है तो क्योंकि डेल्टा पी का यहाँ मीनिंग क्या है? फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। तो अगर फाइनल प्रेशर पी है, इनिशियल प्रेशर जीरो है, तो उस कंडीशन में डेल्टा पी पी माना जाएगा। बट ये जो एक्सप्रेशन है ये ज्यादा बेटर है इसे यूज करना। ठीक है, ये तो हो गई इसके पीछे की थ्योरी। तो अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमें निकालना क्या है? फाइंड द डिक्रीज इन द वॉल्यूम। तो भाई सीधा सीधा हमसे कहा जा रहा है, डेल्टा वी पूछा जा रहा है, यानी कि इस सिचुएशन में जो बी है, बी का रिलेशन हमने देखा ना ऊपर, बल्क मॉडुलस का रिलेशन कंप्रेसिबिलिटी से है और कंप्रेसिबिलिटी हमें दी हुई है क्वेश्चन में, ये रही। तो इसका मीनिंग है कि कंप्रेसिबिलिटी देने का मीनिंग है बल्क मॉडुलस में दिया हुआ है, बल्क मॉडुलस हम यहाँ लगा देंगे। और एक्चुअल में नीचे यूज करना हो ना हमें, तो बल्क मॉडुलस लगा देंगे और ये वाला हिस्सा हमें निकालना है। और आप देखो क्वेश्चन में डेल्टा पी और वी हमें दिया होना चाहिए, तो मैं क्वेश्चन के पास जा रहा हूँ। आप देखिए क्या डेल्टा पी हमें दिया हुआ है, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। जी हाँ, फाइनल प्रेशर ये रहा 10^6 एसआई में ही है, सो नो नीड टू कन्वर्ट फर्दर। और इनिशियल प्रेशर है 10^5, इसको आप 10^5 कॉमन निकाल लीजिए। And we will left with 1 power, that is 10 minus 1. So answer is 9 into 10^5. ये आ गया बेटा चेंज इन प्रेशर। ठीक है, और इसमें और क्या हमें चाहिए था? वॉल्यूम चाहिए था। अब देखिए क्या वॉल्यूम दिया हुआ है। यस, द वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन टू अस, दिस 1000 cm³। तो वॉल्यूम 1000 cm³ को आप एसआई में बदल लेंगे। दैट रिमेम्बर ये सीएम पे होल क्यूब है, तो सी की वैल्यू मैंने डाल दी -2, इसका होल क्यूब बना दिया।
और 1000 इंटू माइनस 6 मीटर क्यूब। तो ये जो वैल्यूज हमने निकाली हैं ये सारी जब आप डाल देंगे इस एक्सप्रेशन में सो यू इजिली एबल टू गेट दिस वैल्यू। आई होप ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपको मैं आंसर बता देता हूँ उसको ताकि आप मैच कर पाए। इसका आंसर आ जाएगा डिक्रीज इन वॉल्यूम 0.45 cm³। ठीक है सो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। और वो जो मैंने कहा ना जैसे नीट वगैरह में 30 क्वेश्चंस की जो इजी रेंज होती है आप कह लीजिए लगभग इस टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं 45 में से 30 क्वेश्चंस की जो कैटेगरी है। बस हमें फॉर्मूला पता हो हमें वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी करने जरूरी है कि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहां पे जल्दी नहीं होगा। ओके